हिमाचल में लॉकडाउन होने के बाद हमीरपुर जिला में भी लॉकडाउन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उपायुक्त हमीरपुर हरिकेश मीणा ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान जिला भर में आपातकालीन सेवाएं बहाल रहेंगी और लोगों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। जिला में दूध सब्जी के लिए लोगों को समस्या ना हो इसके लिए पूरी प्लानिंग तैयार की जा रही है, जिसके तहत दूध सब्जी की आइटमों की किल्लत ना हो इसके लिए शहर के सभी वार्डों को सप्लाई दी जाएगी। जिला अधिकारियों के साथ आपात बैठक में तय किया गया कि घर द्वार पर ही लोगों को दूध सब्जी मुहैया करवाई जाएगी, जिससे दुकानदारों को भी 10% से बढ़ाकर 35% मुनाफा मिलेगा। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के चलते जिला भर में गुड्स कैरियर व्हीकल रोजमर्रा के सामानों की पूर्ति के लिए बहाल रहेंगे। लॉकडाउन का डिफरेंट लोग अलग अलग मीनिंग निकाल रहे हैं इसको। कुछ लोग कर्फ्यू से लिंक कर रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आज दोपहर में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें विधानसभा में घोषणा की थी और सब्सिक्वेंटली ऑर्डर भी आया स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। उसमें क्लियरली स्पेसिफिकली सारी चीज़ें मैंशन की हुई है कि किस तरह कैसे कौन कौन से चीज़ें मतलब उन पर प्रतिबंध रहेगा। ऑल स्टेज कैरियर्स जितनी भी गाड़ियाँ हैं सारी गाड़ियाँ उसमें बंद हैं। कुछ प्राइवेट व्हीकल्स का इन्होंने कहा है कि प्राइवेट व्हीकल्स इन एसेंशियल, जब बहुत ही एसेंशियल हो कि आप हॉस्पिटल जा रहे हो या फार्मासिस्ट की शॉप पे आप कुछ खरीदारी करने जा रहे हो, उन्हीं केसेस में एसेंशियल जो गुड व्हीकल जो प्राइवेट व्हीकल्स अलाउड है। गुड्स कैरियर व्हीकल्स जो कि सब्जी मंडी में सब्जियां ला रहे हैं या दूध ला रहे हैं, ग्रोसरी का सामान है, किराने की दुकान से ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, वेयर हाउस तक कर रहे हैं, वो अलाउड रहेंगे। और उसके अलावा जो फार्मास्यूटिकल यूनिट्स या हॉस्पिटल्स में जो व्हीकल्स जाएंगे वो ही परमिटेड रहेंगे। पेट्रोल पम्प्स, गैस, तीन चार कैटेगरी में गवर्नमेंट ने क्लासीफाई किया है। इसमें ये ऑर्डर है, इसमें सारी चीज़ें हैं, सेल्फ स्पेसिफिक है और ऑल इनके अलावा सारे बंद रहेंगे। उसके अलावा जो प्राइवेट व्हीकल्स का लोगों में काफ़ी कन्फ्यूजन चला हुआ है कि कब से इम्प्लीमेंट होगा, किस तरह से होगा। रात भी जैसे सुबह 9 बजे तक जनता कर्फ्यू था स्टेट गवर्नमेंट में, तो हमने बड़सर बैरियर पे काउंट करवाई थी गाड़ियाँ, तो लगभग 150 के आसपास गाड़ियाँ बड़सर बैरियर पर रात सुबह 8 बजे तक आई थी। तो सिचुएशन देख रहे हैं हम कि किस तरह से प्राइवेट गाड़ियों की डिफरेंट का, कल एकदम कोई भी गाड़ियाँ नहीं थी रात में और आज थोड़ी चली है, तो कई लोग पैनिक में एक जगह से दूसरी जगह रन कर रहे हैं या बाहर से आ रहे हैं, तो लोड्स ऑफ कन्फ्यूजन। मेरी सभी से यही अपील है कि जैसे आज चले हैं प्राइवेट गाड़ी अलाउड है, लेकिन जैसे ये जो लॉकडाउन वाला स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से डिक्लेयर हुआ है तो इसको हम लोग आज शाम से ही इम्प्लीमेंट कर देंगे। अभी चली हुई है जो जहाँ है उसको थोड़ा सा हम परमिट कर रहे हैं, बट आज रात से ये सारा टोटल मूवमेंट बंद हो जाएगा प्राइवेट का भी। ओनली एसेंशियल चीज़ों के लिए, एक सबके लिए क्लियर है, और एसेंशियल चीज़ों में वही आती है कि आप मेडिकल के लिए, मेडिकल इमरजेंसी के लिए जा रहे हो या और मेडिकल में अगर डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया है कुछ की, तो फार्मास्यूटिकल या किसी मतलब जो दुकान जो मेडिसिन की शॉप्स हैं वहाँ से खरीदारी करने जा रहे हो। लोगों के मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट किया है कि जो इसमें क्लियर कट डायरेक्शन दिए हैं कि होम क्वारंटाइन सेल बी ऑब्जर्व बाई ऑल जो फॉरन रिटर्नी, हमारे 170 के आसपास लोग यहाँ फॉरन रिटर्नी हैं, उसमें मैक्सिमम फिगर 70+ का बड़सर से है, तो हम इस पर स्पेशल ध्यान दे रहे हैं। वहाँ की फ्लाइंग स्क्वाड भी हमने रखी है सर्विलेंस टीम के साथ में कि क्वारंटाइन की जो भी नॉर्म्स हैं दे हैज टू फॉलो, वो बाहर मिंगल नहीं हो। और इसमें इस ऑर्डर में ये भी क्लियर है कि जो पीपल आर रिक्वायर्ड टू स्टे एट द होम, मतलब जैसे कि कल हमने जनता कर्फ्यू में ऑब्जर्व किया था वो एक वॉलंटरी स्टेप था, बट नाउ क्लियर कट ऑर्डर है कि स्टेट लॉकडाउन है, किस तरह की चीज़ों लोगों से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो अपने घरों में ही रहे, एंड जो अगर बेसिक पर्पज के लिए बाहर आ सकते हैं। बेसिक पर्पज का मतलब ये नहीं है कि पूरी फैमिली ही घर से बाहर आ रही है कि एक सब्जी ले लें दूसरा किराने की शॉप पर चले जाए, इसमें यह है कि फैमिली में से कोई भी फिट पर्सन हो वो आए और जो बेसिक रिक्वायरमेंट की चीज़ है वो खरीद के वापस जा सकते हैं।
उपायुक्त हमीरपुर हरिकेश मीणा ने कहा कि लॉकडाउन में हर प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए जनता से वे अपील करते हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारियों के साथ बैठक में तय किया गया कि दुकानदारों के मुनाफे को 10% से बढ़ाकर 35% किया जाएगा, ताकि दुकानदार भी अपनी दुकानों को खोलने की जगह लोगों के घर द्वार पर उनको नजदीक में सप्लाई दे सकें। उसके लिए हम लोग अभी जो मिल्क है ट्रांसपोर्टेशन का, अभी उसमें हमने बंद नहीं किया। अगर कोई दूध देने आ रहा है ही और सी डिलीवरिंग मिल्क, तो वो एग्जेम्प्टेड है। बट उसमें भी हम ये कर रहे हैं कि मतलब एक कैंडिडेट अगर 20 किलो दूर ला रहा है और 20 घरों को जा रहा है, तो अभी मैंने एसडीएम और डीएफएससी और कंट्रोलर जो डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर है उनको लगा रखा है कि आप किस तरह से सिस्टम डेवलप कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल वेजिटेबल्स के रेस्पेक्ट में हमने ऑर्डर भी किया है कि प्रॉफिट मार्जिनिंग हमने फिक्स की हुई है कि कितना परसेंट प्रॉफिट वो रख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वेजिटेबल में हमने जैसे पहले जो दुकानदार का प्रॉफिट मार्जिन 20% था फ्रूट्स के रेस्पेक्ट में, और सब जो नॉन पेरिशेबल में 10%, उसको हमने 35% बढ़ाया। और हम एनकरेज कर रहे हैं कि आप जैसे पर्टिकुलरली 100, 200 और 300 के सब्जियों के और कुछ नॉन पेरिशेबल आइटम्स के पैकेट बनाए हैं, जैसे प्याज आलू और कुछ आइटम्स लहसुन वगैरह रहते हैं, वो आप 3-3 वार्ड कवर करें, हर चौथे दिन में आप वो डिलीवरी इंश्योर कर सकते हैं। तो वी आर वर्किंग ऑन दैट वन। जैसे ही इसमें सिस्टम डेवलप होता है तो वील इंश्योर, क्योंकि डेफिनेटली जैसे बीच में रहते हैं दुकानों की भीड़ होने के बढ़ने के चांस रह जाते हैं। अगर एज इट इज हम मैनेज कर पाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज सब्सिक्वेंटली वी विल टेक अदर मेजर्स, जैसे हम डिलीवरी एट द डोर स्टेप या कुछ और चीजें हम निकाल पाए। हरिकेश मीणा ने कहा कि लॉकडाउन को सख्ती से अमलीजामा पहनाया जाएगा। उन्होंने लोगों से भी आह्वान किया कि इस दौरान कोरोना वायरस से बचाव के लिए खुद भी सजग रहें और इसके बचाव के लिए अपना सहयोग प्रशासन को दें। उन्होंने बताया कि अब कोरोना वायरस के चलते जिला में सख्ती बरती जाएगी और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ FIR भी दर्ज की जाएगी। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी जिला में 2 FIR दर्ज हो चुकी है। तो ऐसा है नहीं, अगर इस तरह से आता है तो फिर जैसे उसको सख्ती से डील किया जाएगा। जैसे परसों में हमने एक अभी तक 2 FIR कर चुके हैं, अगर वायलेशन से गैदरिंग हो रही है नहीं मान रहे, तो अब लॉकडाउन का अब क्लियर कट गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर भी आ गया है। पहले हम 144 के बेसिस पे कार्य कर रहे थे, तो इसमें तो अब कोई ढिलाई का स्कोप ही नहीं है। एंड वी एक्सपेक्ट कोऑपरेशन फ्रॉम ऑल दी हमीरपुर से जितने भी लोग हैं कि खुद सेफ रहें, दूसरों को सेफ रखें। तो इसी मोटो के साथ हम चल रहे हैं और हम लोग भी इसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं कि ऑफिस में नेसेसरी हम बैठें, सभी स्टाफ को बुलाएं, एंड देन वी पुट एवरीबडी ऑन दैट एक्सपोजर। तो उसमें